2024 की चुनावी बिसात बिछ चुकी है। जहां अखिलेश को प्रधानमंत्री बनने के लिए सपा नेता लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी सामने हैं। लेकिन इन दोनों की रस्साकशी के खेल के बीच एक सीट ऐसी है जहां पर मामला फंसना तय है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बदायूं लोकसभा सीट की, जहां से 2019 में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा मौर्य जीतकर सांसद बनी। तो भैया नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और हम हाजिर हैं अपना खास शो संसद का हिसाब किताब लेकर। तो आज बात होगी बदायूं से भाजपा सांसद संगमित्रा मौर्य की। मैं डॉक्टर संगमित्रा मौर्य, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। हाल के दिनों में संगमित्रा अपने विवाह को लेकर विवादों में घिरी नजर आईं, लेकिन राजनीतिक करियर देखे तो उन्होंने बसपा से अपनी शुरुआत की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मैनपुरी की सीट से सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन तब वे हार गईं। बाद में पिता के साथ वे भाजपा में शामिल हो गईं और बदायूं से 2019 में चुनावी मैदान में उतरी, जहां पर उन्होंने सपा के तब के सांसद धर्मेंद्र यादव को हराया और लोकसभा जीत कर पहुंची। फिलहाल के समीकरण और बदायूं में उनके अब तक के कामकाज की बात करें तो पीएसआर इंडिया पर मिले डेटा के मुताबिक संसद में उनकी उपस्थिति 98% रही है। उन्होंने 51 बहसों में हिस्सा लिया है, जिसमें सेना में मौर्य रेजिमेंट की मांग, सूखे को लेकर बहस, सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षिका दिवस के रूप में मनाने को लेकर तमाम मुद्दे शामिल रहे। इसके साथ ही संगमित्रा मौर्य ने करीब 67 सवाल सदन में पूछे, जिसमें सीमांत किसानों का उत्थान, केरोसिन के दामों में बढ़ोतरी, हाईवे पर क्राइम, मनरेगा में लोगों को रोजगार, महिलाओं के प्रति अपराध, बीएसएनएल और एमटीएनएल की सर्विस में सुविधाओं और सुधारों जैसी बहसें शामिल रही हैं। वहीं अगर संगमित्रा मौर्य के सांसद निधि की बात करें तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अब तक के दिए आंकड़े के मुताबिक संगमित्रा मौर्य की कुल सांसद निधि 17 करोड़ बताई गई है। इसमें से 9 करोड़ 50 लाख अब तक रिलीज हो गए हैं, जबकि 7 करोड़ 50 लाख सरकार से रिलीज नहीं हुए हैं। वहीं संगमित्रा मौर्य को मिली अब तक 9 करोड़ 50 लाख की धनराशि में 2 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च होने बाकी हैं। ये तो हो गई आंकड़ों की बात, लेकिन बदायूं सांसद संगमित्रा मौर्य ने अपने हिसाब किताब को लेकर हमारे सहयोगी अंकुर चतुर्वेदी से बात की, अपने काम गिनाए और साथ ही बदायूं की राजनीति पर विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमले किए। हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल में कोरोना जैसी महामारी ने भी दस्तक दिया, जिसकी वजह से हम लोगों की निधि में भी कटौती हुई। निधि में कटौती होने की वजह से बहुत से ऐसे कार्य रह गए, लेकिन मुझे लगता है निधि की कटौती से हमारे गांवों की सड़कें जरूर अछूती रह गई। मुझे अफसोस होता है कि वो निधि हमारी कटी तो सड़कें नहीं बन पाई, लोगों को नल नहीं मिल पाए। वहीं पर हमें इस बात का भी संतोष होता है कि हमारी निधि लोगों के जीवन दान में गई है। हमारे इस परिवार बदायूं परिवार का सदस्य आज सुरक्षित है, जीवित है, तो हम सड़कें कल भी बना लेंगे, लेकिन अगर इंसान नहीं होता, सड़कें बन जाती, तो हम उसे दोबारा ऊपर से नीचे नहीं ला सकते। बदायूं में 95 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे निकला, हमने ढिंढोरा नहीं पीटा। हमारा बदायूं 95 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे टच करके निकल रहा है, जो हम 5-6 घंटे का सफ़र करते हैं। आने वाले समय में वो सफ़र कम होने वाला है। हम बदायूं से दिल्ली भी आसानी से कम समय में पहुँचेंगे और लखनऊ भी कम समय में पहुँचेंगे। हमारे समय में ही आपको नवोदय विद्यालय बिसौली में देखने को मिला। नवोदय विद्यालय का निर्माण हुआ है, चल भी रहा है। बिसौली में मिनी स्टेडियम बना। स्वास्थ्य की सेवाएं जो जर्जर थी, विकास पुरुष की कभी नजरें स्वास्थ्य बिल्डिंगों पर नहीं गई। बहुत से ऐसे अस्पताल जो जर्जर स्थिति में थे, वहां पर गाँव का व्यक्ति इलाज के लिए नहीं जाता था कि अगर जाएगा तो कहीं छत गिर गया तो वो बिना मरे मर जाएगा। ऐसी बदहाल स्थितियों को भी उन्होंने नज़रअंदाज किया। वहीं पर खितौरा में, सहसवान के खितौरा में एक अस्पताल को, सामुदायिक केंद्र को हमने गोद लिया, जो एकदम जर्जर स्थिति में थी। और आप जा कर के देखिए, आज वो बिल्डिंग एकदम फर्स्ट क्लास है। वहाँ पर मरीज भी आ रहे हैं और उस बिल्डिंग को सिर्फ हमने तैयार उद्धार नहीं करवाया, बल्कि उसके साथ साथ वहां पर हमने अपनी तरफ से एक एम्बुलेंस भी वहां के लोगों को सुविधा हेतु दिया है। तो कार्य ये होता है, हम ढिंढोरा नहीं, हम अपने परिवार की सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। आप भाइयों के माध्यम से ही हमें ये पता चलता है कि आज तक
इतना किसी भी सांसद ने बधाइयों में समय नहीं दिया जितना मैं देती हूँ, तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। अब ऐसे में जहाँ संघमित्रा मौर ने अपने काम तो गिनाए ही, साथ ही साथ विपक्षी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव पर तीखे सवाल भी किए। अब ऐसे में सबसे दिलचस्प बात ये होगी कि पिताजी जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके हैं, वो समाजवादी पार्टी में हैं और वो भाजपा में रहते हुए दोबारा टिकट ले पाती हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही साथ अगर आप बदायूं से हैं और आप संघमित्रा मौर्य के कामकाज को लेकर क्या कहना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक यूपी से जुड़ी हर एक खबर को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।